फेरोमोन ट्रैप, जिसको कि गंध पास भी कहा जाता है, जिसमें फेरोमोन को इस्तेमाल करके कीट को आकर्षित किया जाता है। फेरोमोन एक प्रकार के विशेष गंध होता है जो मादा कीट नर कीट को आकर्षित करने के लिए छोड़ती है। इस फेरोमोन से ल्यूर बनाया जाता है। विभिन्न कीटों द्वारा विभिन्न प्रकार के फेरोमोन छोड़े जाते हैं, इसलिए अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग ल्यूर काम करते हैं जो आसपास के नर कीटों को आकर्षित करते हैं। कीट प्रबंधन में इस फेरोमोन ट्रैप्स का मुख्यतः तीन तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला है कीट की निगरानी के लिए, जिसमें हम 3 से 4 ट्रैप प्रति एकड़ इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कीट को अधिक समूह में पकड़ने के लिए, और तीसरा है नर और मादा कीट के संभोग विघटन के लिए। दूसरा और तीसरे तरीके में हम ज्यादा मात्रा में ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। कीट के अनुसार ट्रैप की संरचना अलग अलग होती है। ये ट्रैप इस तरह से बनाए जाते हैं कि कीट एक बार अंदर जाए तो बाहर नहीं निकल सके। एक बात याद रखना जरूरी है, एक ही संरचना का ट्रैप विभिन्न कीट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक ही ल्यूर विभिन्न कीट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि अलग अलग ट्रैप कैसे होते हैं, जिसमें पहला है फनेल ट्रैप या सीव ट्रैप्स। खेतों में इस ट्रैप को सहारा देने के लिए एक डंडा गाड़ना होता है। ऊपर के ढक्कन में बने स्थान पर ल्यूर को फंसा दिया जाता है। इस ट्रैप की ऊंचाई इस प्रकार रखनी होती है कि ट्रैप का ऊपरी भाग सफल की ऊंचाई से 1 से 2 फीट ऊपर रहे। ये ट्रैप चने या अरहर का फली छेदक, जैसे कि हेलिकॉर्प आर्मीजरा, तंबाकू का कैटरपिलर स्पोरोप्टेरा लिट्टूरा, पिंक बोलवर्म, मक्के का तना छेदक, फॉल आर्मीवर्म जैसे कीटों को आकर्षित करने और मारने के लिए काम आ जाते हैं। दूसरी ट्रैप संरचना है जैसे डेल्टा ट्रैप। ये ट्रैप दोनों तरफ से खुला होता है, जिससे दोनों तरफ से कीट अंदर घुसता है। और ये ट्रैप सामान्यतः छोटे आकार के पतंग कीट, जैसे टमाटर का पिनवर्म, मूंगफली का लिप माइनर, गोभी का हीरक पीट शलभ आदि के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें स्टिकी लाइनर लगा होता है, जिसमें एक कीट आने के बाद चिपक जाता है और वहीं पे मर जाता है। तीसरा है वाटर ट्रैप्स और पानी का ट्रैप। ये ट्रैप सामान्यतः टमाटर का पिनवर्म, गन्ने का तना छेदक, बैंगन का फली या तना छेदक आदि कीट के लिए इस्तेमाल होता है। चौथा है फूल फ्रूट फ्लाई ट्रैप, जिसको हम फल मक्खी ट्रैप बोलते हैं। ये विभिन्न तरीके के होते हैं। इसको आप घर में भी बना सकते हैं, सिंपल पानी की बॉटल या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से भी आप इसको बना सकते हैं। ट्रैप को खेत में लगाने के उपरांत इनमें फंसे पतंगों को नियमित जांच की जानी चाहिए और पाए गए पतंगों का आकलन करना चाहिए, जिससे कीटों की संख्या और गतिविधियों का ध्यान रखा जा सके। जब हम फेरोमोन ट्रैप बड़े पैमानों पर कीट को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, थैली में जो भी कीड़े एकत्रित हुए हैं उनको नियमित रूप से नष्ट करना जरूरी है, ताकि जो नए कीड़े आकर्षित हो रहे हैं वो इसमें फंस सके। इस फेरोमोन तकनीक का लाभ है कि किसान अपने खेत पर कीड़ों की संख्या का आकलन कर कीटनाशकों के उपयोग की रणनीति निर्धारित कर अनावश्यक खर्च से बच सकता है।